फ्रीलांसिंग कैसे की जा सकती है, उसमें सबसे जो अहम स्टेप था वो डिसीजन था, फैसला करना था। ये फैसला करना क्यों अहम है और ये किस लिए आगे फ्रीलांसिंग में आपकी मदद करेगा, आए आपको बताते हैं। फैसला करना इसलिए सबसे अहम समझा जाता है क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग करने का डिसीजन ले लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, तो कहने में तो ये सिर्फ 8 लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, पर असल में आपको आने वाले टाइम में बहुत सी ऐसी मुश्किलात को फ़ेस करना है और अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी से आगे लेकर चलते रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब कमज़ोर फैसले के साथ इसको शुरू कर लेते हैं पर इन द लॉन्ग रन वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कुव्वत इरादी कमज़ोर होती है। फ्रीलांसिंग में जितने भी कामयाब लोग आप देखेंगे उनकी कुव्वत इरादी बहुत मज़बूत होगी, क्योंकि जब आपने आगे काम शुरू करना है तो आपको ना सिर्फ मुस्तकिल नई नई चीज़ें सीखनी हैं बल्कि नए नए चैलेंजेस को भी फेस करना है। कुव्वत फैसला करने से मुराद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपने अपना टाइम स्केड्यूल मैनेज करना है, अपने जो दूसरे काम वगैरह हैं उनको भी साथ लेके चलना है। और फ्रीलांसिंग की दुनिया में सबसे अहम चीज़ कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने किसी क्लाइंट से काम लिया है तो आपको फिर उसको हर सूरत उस टाइम से पहले वो काम सबमिट भी करना है और अपनी क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं आने देना। और आप यकीन माने कि अगर आप दो चीज़ें जो हैं इनको साथ लेके चलते हैं, एक टाइम स्केड्यूल्स के मुताबिक उनको काम सबमिट करवाते हैं और क्वालिटी पे उनको कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो वो यकीन माने कि आप बहुत जल्दी जो है ऊपर वाले लेवल्स के जो सैलर्स हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। और आपको क्या करना है कि आपको अपनी सर्विसेज को बेहतर करना है, स्किल्स को बेहतर करना है। और फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा अहमियत इसीलिए डिसीजन की होती है, फैसला की होती है। तो अब आप लोगों को मैं अगले जो 4 स्टेप्स जो हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे उनमें स्टेप नंबर 1 फैसला था, डिसीजन था, और अब स्टेप नंबर 2 में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन सी स्किल्स आपको सीखनी है जिनका आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और गुड न्यूज़ ये है कि हम आपके लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 100 स्किल्स वो लेके आ रहे हैं या आपको बता रहे हैं और गाइड कर रहे हैं जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप है आगे 2023 में। तो आप अगर इसी शौक से काम करते रहेंगे और मेहनत से इन वीडियोस को या किसी भी जगह से सीखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए काम नहायत आसान।